नमस्कार, मुखर संवाद के खास कार्यक्रम रणभूमि में स्वागत है। मैं हूं विशु विशाल और आज झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की सीटों की आज ऐलान कर दी गई है। हम जानेंगे, यहां हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक गोप जी हैं, उनसे जानेंगे आखिर स्थिति क्या है महागठबंधन को लेकर। नमस्कार। ये देखिए, जो महागठबंधन की जो स्थिति है, महागठबंधन की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि घोषणाएं हो गई हैं, घोषणाओं में जिस तरह से बातें कही हैं, 31 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर लड़ेगा, वहीं आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो 7 सीटें हैं आरजेडी के लिए, आरजेडी निश्चित रूप से यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और जो स्थिति स्पष्ट है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच अलायंस हो चुका है, और जेएमएम और कांग्रेस स्पष्ट स्थिति बना चुके हैं कि 43 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो 31 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। यानी ये कहा जाए कि जो आरजेडी है वो यहाँ बैकफुट पर होता हुआ नजर आ रहा है। यूं कहें कि महागठबंधन के पहले जो स्थितियाँ दिखाई दे रही थी, चाहे वाम दलों की बात की जाए या अन्य दलों की बात हो रही थी, जो लगातार ये मीडिया में खबरें आ रही थी कि वाम दल भी इस गठबंधन में होंगे, वो यहाँ नहीं हो सका। और स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दिया कि जो झारखंड विकास मोर्चा तो पहले ही अलग हो चुका है, और ऐसे में अब जेएमएम और कांग्रेस के बीच स्पष्ट अलायंस दिखाई दे रहा है और अस्पष्टता दिखाई दे रही है। जैसे कि आज आरजेडी के तेजस्वी रांची में रहते हुए भी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, इसका स्थिति समझ में नहीं आया महागठबंधन को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी और तमाम झारखंड की जनता भी ये नहीं जान पाई होगी कि तेजस्वी आखिर राजधानी रांची में रहते हुए, वो पटना में नहीं थे, कल देर रात वो राजधानी रांची पहुंचे और उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें भी की हैं। और आरजेडी जिस तरह से 7 सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जता रहा है, वो नाराजगी कहीं ना कहीं महागठबंधन को भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जो आपने सीटों में बंटवारे की जो बात हुई है, जो मुख्य रूप से बंटवारा हुआ है, यूं कहा जाए आश्चर्यजनक बंटवारा जो हुआ है, जो आप अगर देखेंगे गढ़वा में आरजेडी दूसरे स्थान पर था 2014 के विधानसभा चुनाव में। जो गिरनाथ सिंह आरजेडी के कैंडिडेट थे वो दूसरे स्थान पर थे, जेएमएम के कैंडिडेट मुन्नू ठाकुर, जो मिथिलेश ठाकुर हैं, वो तीसरे स्थान पर थे, लेकिन वो सीट जेएमएम को चली जाती है। आरजेडी जो बरकट्टा में नहीं था, यूं कहा जाए बरकट्टा में स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन वहां कांग्रेस से सीट लेकर आरजेडी को दे दी गई है। यानी एक तरह से कहा जाए कि जो गठबंधन का मेल मिलाप होना चाहिए वो यहां पर स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आरजेडी की जो जीत थी, जो पलामू में प्रमंडल में जो आरजेडी का जनाधार है, उस जनाधार को कहीं ना कहीं जेएमएम वहां पर अपनी दखल दिखा रहा है। और जो आप सीटें अगर आप देखेंगे गढ़वा में मुन्नू ठाकुर की कोई खास वहां उपलब्धि नहीं है, तीसरे स्थान पर है, लेकिन सीटें जबरन उनको दे दी जाती है। ये कहा जाए कि जेएमएम यहां अपर हैंड दिखाई दे रहा है, जो प्रदेश का नेतृत्व है आरजेडी का, वो यहां असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है और राजधानी रांची के रिम्स में वो इलाज करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन है, महागठबंधन की स्थिति तो स्पष्ट हुई कि जो कांग्रेस है, जेएमएम है, वो यहां पर सही स्थिति और सही पोजीशन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां जो आरजेडी का जो जनाधार है झारखंड के अंदर, जो पलामू परमंडल में खासकर, वो वहां दिखाई नहीं दे रहा है। जो सीटें परंपरागत सीटें थी वो आरजेडी को मिली, जो प्लस होना चाहिए था आरजेडी के खाते में वो नहीं हो पाया। बदलाव देखा गया कि बरकट्टा में जहां आरजेडी बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वो सीट वहां दी गई है। कारण साफ है इसका कि कांग्रेस कई बार वहां प्रयास कर चुकी है, लेकिन वहां जो यादव मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है, जो वोट बैंक का बेस है, उस वोट बैंक के बेस को लेकर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वोट बैंक यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। और यहां पे यह स्थिति स्पष्ट नहीं है, और कांग्रेस और जेएमएम का यहां पर अलायंस हो चुका है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं वहां नहीं दिखाई दे रही है। क्या स्पष्टीकरण क्या हो सकता है महागठबंधन को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी अब यहाँ नाराज है। नाराजगी ये कहा जाए कि जो स्थितियां हैं, जो यूं कहेंगे कि जो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे मुन्नू ठाकुर, जो मिसलेट ठाकुर है, वो वहां चुनाव लड़ते हैं, वहां पे चाईबासा में वो नगर अध्यक्ष भी हैं, और एक तरह से कहा जाए कि वहां पे अध्यक्ष रहने के बावजूद वो गढ़वा
गढ़वा में दखलअंदाजी करते हैं और गढ़वा से चुनाव भी लड़ते हैं। एक बार फिर सीट उन्हीं को जाएगी। हालांकि नामों की आधिकारिक जेएमएम की ओर से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जेएमएम को सीट जाने का मतलब ही मुन्नू ठाकुर है। यानी मुन्नू ठाकुर वो नाम है जो जेएमएम की रीढ़ की हड्डी है, यानी जो वित्तीय मामले हैं मुन्नू ठाकुर के वो कहीं ना कहीं जेएमएम से जुड़े हुए हैं। और जेएमएम यही कारण है कि आरजेडी से वो सीट लेकर जेएमएम को दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए मुन्नू ठाकुर का जो फैक्टर है इस गठबंधन की पेच बढ़ाने के लिए काफी है। और ये महागठबंधन जो उलझा हुआ है, जो बिश्रामपुर और गढ़वा चाहती थी आरजेडी, वो सीट न मिलने के पीछे निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। हालांकि बिश्रामपुर जो सीट है वहां ददई दुबे का प्रभाव है, वहां बहुत कुछ आरजेडी नहीं कर सकती थी। लेकिन जो गढ़वा है, गढ़वा के इलाके में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आरजेडी हमेशा दूसरे स्थान, और वहां विधायक भी रहे हैं, वहां से मंत्री गिरिनाथ सिंह जीत के गए हैं, उनके पिताजी भी आरजेडी से जीत के गए हैं। यानी कहा जाए कि जो बेस वोट है वो आरजेडी का है। वो चाहते हैं कि गढ़वा में जो मुसलमानों की स्थिति है, मुसलमान अगर शिफ्ट होंगे तो जेएमएम का एक सीट सिक्योर हो जाएगा। जो आरजेडी की स्थिति है वहां पे आरजेडी के भी कैंडिडेट वहां लड़ना चाहते थे, लेकिन जो पूरी जीच है, जीच आकर मुन्नू ठाकुर पर आके फंस गई है। कारण साफ है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आरजेडी के लिए सुभाष यादव लोकसभा चुनाव में मजबूरी बन गए थे, उसी तरह से मुन्नू ठाकुर यहां पर विधानसभा चुनाव में मजबूरी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन की पेंचे जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। यानी एक आ जाए घोषणाएं तो हो गई है, लेकिन महागठबंधन जो हुआ है वो महागठबंधन पूरा नहीं है। मैं एक लाइन और आगे बढ़ के कहूंगा कि महागठबंधन पहले ही राउंड में, यहाँ कहा जाए कि जो एनडीए से मुकाबला होगा, पहले ही राउंड में यहाँ पर असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी गठबंधन की स्थिति अस्पष्ट नहीं थी तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना था। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से औपचारिक घोषणाएं नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो मजबूरी है, जो आरजेडी अभी फिलहाल लालू यादव असल में जेल आज गए हैं, और ये कहा जा सकता है कि जो लालू यादव की जो व्यवस्था है वो झारखंड में दिखाई दे रही है कि जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम ने जिस तरह से समझौता किया है, आरजेडी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई। क्या रहा होगा ये होने का गठबंधन? देखिए, तात्कालिक कारण यही है कि लालू प्रसाद यादव के एक नजदीकी व्यक्ति, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से सुभाष यादव नजदीकी व्यक्ति हैं, उसी तरह से मुन्नू ठाकुर भी यहां पर हैं। और मुन्नू ठाकुर का फैक्टर बड़ा है। मुन्नू ठाकुर पूरी गठबंधन में, यूं कहा जाए कि जेएमएम अगर उस सीट के पीछे अड़ा हुआ है, गढ़वा सीट के पीछे, तो मुन्नू ठाकुर हैं। और यही कारण है, कोई तात्कालिक कारण होता है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, वो तात्कालिक कारण बनता है। तो अगर महागठबंधन अगर बिखरता है तो निश्चित रूप से वो पूरा दोष जो जाएगा वो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि मुन्नू ठाकुर पर जाएगा, और मुन्नू ठाकुर इसके कारण बनेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सुभाष यादव के जीत के कारण जो महागठबंधन की स्थिति थी झारखंड में, वो खराब हुई थी आरजेडी की ओर से। इस बार जेएमएम की ओर से मुन्नू ठाकुर है। मुन्नू ठाकुर वो शख्स है जो आरजेडी को कहीं ना कहीं वहां तो नुकसान पहुंचाएंगे, जेएमएम के लिए वो बड़ी फैक्टर है, क्योंकि जेएमएम की पूरी पार्टी जो है वो वहां से चलती है, और मुन्नू ठाकुर बहुत बड़े उसमें नायक हैं। और आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं कि मुन्नू ठाकुर का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहां पर जो महागठबंधन है उसकी स्थिति स्पष्ट होने नहीं दिया। इतनी फायदा मिलती है इस गठबंधन में, इस रणभूमि में। आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।